नमस्कार दोस्तों, पी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार संजय, आप देख रहे हैं पी न्यूज। हम एक सच्ची खबर दिखा रहे हैं, कारू स्थान के खिरखिर बाबा का चमत्कार, जानिए पी न्यूज पर। बिहार के सहरसा जिले के कारू स्थान, जहां बाबा खिरखिर का मंदिर विराजमान है, आप लोगों को उस मंदिर को देखने के साथ ही आश्चर्य होगा कि इस मंदिर के तीन भाग में मां कोसी अपने आगोश में ले लिया है, परंतु खिरखिर बाबा के मंदिर के पीछे होते होते कोसी महारानी निकली है और एक भाग को फ्री कर दिया है, जिसे श्रद्धालु लोग यहां पर पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इस मंदिर में बाबा को घी और दूध चढ़ाया जाता है, श्रद्धालु लोगों को प्रसाद के रूप में खीर खिलाया जाता है। घी और दूध से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना करने आते हैं। इस मंदिर का पौराणिक कहानी है, जिसके बारे में पूजा अर्चना करने पहुंचे समस्तीपुर जिले के सिंगिया प्रखंड के माहे ग्राम के एक श्रद्धालु सुशील कुमार सिंह ने बताया कि इसे आप लोग पी न्यूज पर देख सकते हैं। जो बाबा के बारे में कुछ विशेषता बताइए, क्या जानते हैं? बाबा की विशेषता है, जो यहाँ पर जितने भी गायें रहती थी वे उनमें कभी रस्सियाँ नहीं लगाई जाती थी, बिना रस्सी का बांधा जाता था। उनके साथ गाय घूमती थी रहती थी और कोई उनका दूध दूहने पाता था खुलेआम, और अपने आप बाबा के सर पर दूध भी चढ़ता था। और यहाँ गायों की सेवा जो होती है माँ की तुलना। ये बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं, बाबा कारू स्थान है, क्या प्रसिद्ध है यहाँ के बारे में, क्या जानते हैं आप लोग यहाँ पूजा करने आए हैं? यहाँ बाबा खिरहे का धर्म स्थान है, और जो भी अपने पशु मवेशी के लिए के ख्याल से आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। और यह पौराणिक स्थान है, सब दिन यहाँ यह भंडारा चलता रहता है, पूजा होता रहता है। लोग अपने अपने गांव से अपने मवेशी का दूध ला करके यहां जमा करते हैं, चावल जमा करते हैं, उसका खीर बना करके बांटा जाता है, सुबह से शाम तक बढ़ते रहता है, कभी अंत होने की बात नहीं है। आज तक हम लोग जो सुनते आ रहे हैं, जो यहां कभी भंडारा खत्म नहीं होता है, जो आते हैं खाते जाते हैं, और यहां अपने लिए मवेशी के लिए मन्नत मांगते रहते हैं, अपने ये वंश के लिए मन्नत मांगते रहते हैं और सब पूरा होते रहता है। ये देखने को मिल रहा है चारू बगल से कोसी महारानी का जो है सब पूरा एकदम जलमग्न है, बीच में टापू की तरह मंदिर है बाबा खिरखिर। ये भी इनकी विशेषता है, जो इतना दिन से कोसी महारानी इनके मतलब दीवार से सट के चलते हैं, लेकिन आज तक यह कटाव नहीं हुआ है और यह बहुत प्रसिद्धि दिखाते जा रहा है कि कोसी इतना चारों तरफ काटते जा रहा है, इसका इसको ने कर रहा है, ये भी इनकी कृपा है। क्या नाम हुआ? सुशील कुमार सिंह माहे।
दोस्तों नमस्कार, टी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार, मैं आपको दिखा रहा हूँ कारूबा के स्थान है, जहाँ देखिए कोसी महारानी का पूरा चारों बगल कोसी पूरा एकदम जलमग्न है, लेकिन बाबा के मंदिर के समीप सटा हुआ है, लेकिन बाबा के मंदिर के समीप जरा सा भी मिट्टी नहीं कटाई हो रहा है, लेकिन चारों बगल से घिरा हुआ है। बीच में बाबा का मंदिर है जहाँ कोसी महारानी है, चारों बगल से घेर के बीच में बाबा के मंदिर को रखे हुए हैं, तो दिखा रहे हैं। देखिए कैसे कैसे कोसी का धार गया हुआ है, श्रद्धालु लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। ये बाबा को प्रसिद्ध है घी और दूध चढ़ाना, इस बाबा को पूजा घी और दूध से पूजा अर्चना होता है।